अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि कैंट्स और ग्रीजन्स जो होती हैं आर्मी की, उसमें लेटेस्ट वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं लेक्चरर्स मेल और फीमेल बीपीएस 17 की। तो इन जॉब्स के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा इन जॉब्स में और कौन कौन सी जॉब्स बेसिकली अनाउंस हुई हैं। शुरुआत में बता रहे, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल हैविंग रिक्विजिट एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड कोटा एज टू फुलफिल द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। बेसिकली ये जॉब्स परमानेंट नहीं हैं, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 साल मजीद ये एक्सटेंड होगा। इट मीन्स मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए बीपीएस 17 लेक्चरर की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स अनाउंस की गई हैं फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले है लेक्चरर मेल बीपीएस 17 की जॉब, जिसमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि सेकंड क्लास यानी कि सेकंड डिवीजन आपकी या ग्रेड सी मैक्सिमम जो है वो मास्टर्स डिग्री आपकी 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए या इसके इक्वल एंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। अब इट मीन्स के 16 साल अगर आपकी एजुकेशन बैचलर्स 4 ईयर्स भी की हुई है रेलेवेंट सब्जेक्ट में, तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी मास्टर्स इस रेलेवेंट सब्जेक्ट में है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज डिटेल की बात करें तो इंग्लिश की 18 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, कंप्यूटर साइंस की 15, उर्दू की 8, इस्लामिक स्टडीज़ की 6, फिजिक्स की 5, मैथमेटिक्स की 5, साइकोलॉजी की 6, केमिस्ट्री की 3, पाकिस्तान स्टडीज़ की 3, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 2, अकाउंटिंग की दो, फाइनेंस की 2। टोटल जो है 75 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं लेक्चरर मेल की। डोमिसाइल का कोटा अगर हम देखें तो ओपन मेरिट 5 है, पंजाब के लिए 35 मेरिट है, माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम्स के लिए 2 है, सिंध रूरल मेरिट के लिए 8 है और माइनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम के लिए 1 है, सुंदरबन मेरिट पे 5 है, खैबर पख्तूनख्वा मेरिट की 8 है और माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम के लिए 1 है, बलोचिस्तान मेरिट 4, एक्स फाटा मेरिट 3, गिलगित बल्तिस्तान 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए टोटल 2 मेरिट वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। उसके बाद लेक्चरर फीमेल बीपीएस 17 की जॉब है, उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर की गई है जो मैंने ऊपर बताया, सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ इसमें वैकेंसीज में फ़र्क है कि इंग्लिश की जैसे लेक्चरर मेल में 18 है तो इसमें वैकेंसीज 16 हैं। टोटल वैकेंसीज 75 अनाउंस की गई हैं और इसका कोटा यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग का यहाँ पे बता रहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको पाकिस्तान में जितनी भी कैंट्स और ग्रीजन्स हैं पाकिस्तान आर्मी की वहाँ पे कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है। एज लिमिट इसमें बताई गई है कि 22 साल से 28 साल के कैंडिडेट्स प्लस 5 साल की जनरल एज रजिस्ट्रेशन इसमें मौजूद है, यानी 22 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल 33 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज रजिस्ट्रेशन इसमें कुछ मजीद भी दी गई है, उसके बारे में देख लेते हैं कि कोई भी आप एक एज रिलैक्सेशन ए बी सी डी में से हासिल कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी एज रिलैक्सेशन में फॉल करते हैं। तो 3 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई है कैंडिडेट्स की जो बिलोंग करते हैं नॉन मुस्लिम यानी कि शेड्यूल कास्ट से, बुद्धिस्ट कम्युनिटी या ट्राइबल एरियाज या ट्राइबल आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से। सिंध गवर्नमेंट के लिए जैसे होता था यानी कि सिंध रूरल के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन होती थी, वो इसमें मेंशन नहीं की गई और एप्लीकेबल भी नहीं है। 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी उन लोगों को जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं 2 साल से कंटिन्यूस। इसके अलावा 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी पर्सनल्स के लिए। 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है जो लोग विडो या डॉटर या सन कोटा पे अप्लाई करेंगे या डिकीज कोटा पे अप्लाई करेंगे, उनके लिए 5 साल की जनरल एज रजिस्ट्रेशन मजीद है इस एज के अलावा। एज और क्वालिफिकेशन जो है वो आखिरी डेट तक कैलकुलेट की जाएगी, कैंडिडेट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट होनी चाहिए, लास्ट डेट 3 अप्रैल 2024 तक। कॉन्ट्रैक्ट जो है अपॉइंटमेंट उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा जैसे ही 2 साल आपके गुजरेंगे जॉब करते हुए, और या फिर अराइवल ऑफ परमानेंट इंक्यूबेट यानी कि परमानेंट जो कैंडिडेट्स एफपीएससी के थ्रू भर्ती होते हैं अगर वो पहले हो जाते हैं 2 साल से पहले तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अगर वो 2 साल के बाद या मजीद टाइम के बाद होते हैं तब आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, इसमें आपको 1 मंथ का नोटिस पहले दिया जाएगा। अगर वो परमानेंट कैंडिडेट्स आ जाते हैं जो एफपीएससी थ्रू अपॉइंट होते हैं कमीशन के थ्रू अपॉइंट होते हैं तो
आपकी जो जॉब है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट से उनको एक एफिडेविट भर के देना पड़ेगा स्टैम्प पेपर पे कि वो कोई भी अपील फाइल नहीं करेंगे कोर्ट में कि उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं। अकॉर्डिंग टू फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ शॉर्टेस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए। रिटन टेस्ट जो है इसकी पिशावर में, रावलपिंडी में, लाहौर, मुल्तान, कराची और क्वेटा कैंट्स में कंडक्ट की जाएंगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आएंगे, जिसमें डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपकी रिजल्ट्स होंगी, मार्कशीट्स होंगी, ट्रांसक्रिप्ट होंगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इन केस कोई भी डॉक्यूमेंट फेक या बोगस आपका हो जाता है तो आपका जो है कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इवन अगर आपकी सिलेक्शन भी जाती है और बाद में कोई भी आपका डॉक्यूमेंट फेक जाहिर होता है, फिर भी आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC अपने डिपार्टमेंट से हासिल करेंगे और उसको इंटरव्यू में साथ लेके जाएंगे। डिसमिस एम्प्लाइज या क्रिमिनल केस जिनके ऊपर चल रहा है किसी भी गवर्नमेंट इदारे में या किसी भी इदारे में, तो वो एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के। कैंडिडेट्स जिनका फाइनल रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ लास्ट डेट तक, वो अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास राइट है कि इन जॉब्स को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आप भेजते हैं तो वो आपकी एंटरटेन नहीं की जाएगी। टेस्ट का जो रिजल्ट है या स्लिप्स की इंटीमेशन है वो कुरियर और पोस्टल के थ्रू आपको नहीं मिलेगी। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें और जो आपने सेल नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, उसको आप डेली बेसिस पे चेक करें। उस पर आपको टेस्ट की और इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कोई भी TA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, DA यानी कि डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 3 अप्रैल 2024। अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। अगर कोई क्यूरी हो आपको इस जॉब्स के वाले से तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 से 4 बजे तक। कोई भी क्यूरी हो आपने पोस्ट करनी है तो इस क्यूरी फॉर्म पे जाके फिल करके आप क्यूरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये थी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं कि किस तरह से इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे, induction.fgei-cg.gov.pk। इस पर आप अपना सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आप साइनअप पर क्लिक करेंगे। साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को मैं पहले फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने फॉर्म यहाँ पे फिल कर लिया है। इसको फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ यूज़ योर CNIC एंड पासवर्ड टू लॉग इन बिलो। आपने अपना CNIC यहाँ पर एंटर करना है, देन आपने पासवर्ड एंटर करना है जो आपने पहले यूज़ किया था अप्लाई करते वक्त। लॉग इन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से देखा है जब आपने न्यूज़पेपर में इसकी कटिंग देखी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने करेक्ट फिल करना है, सारी मालूम आपने प्रॉपर देनी है और एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट तक पहुँच जाना चाहिए, इसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे इसका फॉर्म है कंप्लीट, इसको पहले मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपको मैं मज़ीद गाइड करता हूँ। जी दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें आपने अपना नाम, फादर का नाम, जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, किस सूबे का डोमिसाइल है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर है, अदर कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपने डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है, ये यहाँ पर तब होगा जब यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे सिंध अर्बन मिसाल के तौर पे। तो यहाँ पे आपके अर्बन के सारे रीजन्स आ जाएंगे। फिर आपने अपना सिटी का नेम लिखना है, रिलीजन, पोस्टल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, 7x पे क्लिक करेंगे। देन आपका जो सेकंड पोर्शन है वो आपकी है काबिलियत, क्वालिफिकेशन। ठीक है, काबिलियत में आपने अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है MA की हुई है आपने या BS की हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे यहाँ पे है सर्टिफिकेट आपकी कौन सी डिग्री है, कौन से सब्जेक्ट में है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन डिग्री का नाम, CGPA लिखेंगे या ग्रेड लिखेंगे वो आपकी मर्जी है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगर आपकी MPhil की हुई है या PhD की हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे।
उसके बाद अगर आपका कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो आप यहाँ पर उसकी तफसीला देंगे, देन सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे आपका आएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेक्चरर मेल मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे जो डिग्री सेलेक्ट की है वो एमए इंग्लिश की सेलेक्ट की है। इसके साथ साथ टेस्ट की इंफॉर्मेशन है कि टेस्ट आप कहाँ पे देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कराची सेलेक्ट किया है, उसके बाद सेकेंड प्रेफर्ड सिटी मैंने इस्लामाबाद किया है, सॉरी रावलपिंडी किया है। और इसके अलावा अगर कोई एज रिलैक्सेशन आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप उस पर टिक करेंगे। जैसे ये वाली एज रिलैक्सेशन अगर मैं क्लेम करना चाहता हूँ तो इस पर टिक करूँगा। ये रिटायर्ड फौजी वाली करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा। और अगर कोई विडो या चाइल्ड कोटा या डिकीज कोटा पे अप्लाई करना चाहता है तो आप ये इस पर क्लिक करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ भी यस करेंगे, डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, कौन से ओहदे पे आप काम कर रहे हैं, कौन सा स्केल है, अपॉइंटमेंट आपकी कब हुई थी, और इसके अलावा अपॉइंटमेंट की नेचर क्या है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप करेंगे। अगर नहीं है तो आप इस टिक को हटा देंगे, सेफ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, ये चालान की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है कि इंग्लिश लेक्चरर के लिए आप अप्लाई करें, 1150 रुपये इसके अप्लाई करने की फ़ीस है। डाउनलोड चालान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक चालान डाउनलोड हो जाएगा जो शो होगा। सबसे पहले आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड चालान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चालान आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करवा के बैंक लेके जाएंगे, यूबीएल बैंक में जमा होगा, ब्रांच कोड वहाँ पे लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे और अपनी सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद ये चालान आपने अपने साथ लेके आना, एक स्टूडेंट कॉपी आपको देंगे, वो आप अपने साथ लेकर आएंगे, उसको उसकी पिक्चर लेंगे क्लियरली या स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पे आप अपलोड करेंगे चालान की पिक्चर, यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करेंगे, देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग पे आप आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने सक्सेसफुली इन जॉब्स में अप्लाई कर दिया है। तो आपका सक्सेसफुली इन जॉब्स में अप्लाई हो चुका है, यू अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश। तो दोस्तों ये था तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का। इन केस अगर आपको पासपोर्ट रिसीव करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, अगर कोई क्यूरी है आपको तो क्यूरी पोर्टल दिया गया है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो यहाँ पे लिख के आप सेंड कर सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिसप्लेस हो गई है, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी गलत एंटर हो गई है, उसको तब्दील करवाने के लिए आप क्यूरी पोर्टल पर जाएंगे, यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे, उसको सेंड कर देंगे। तो FGEI वाले जो है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले आपकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों ये था तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।